हाय, मेरा नाम अनुपमा प्रकाश है। मैं साउथ की एक्ट्रेस हूँ और आई एम डूइंग हेयर लीड, नॉट लीड रोल, लीड रोल की सेकेंड लाइक फ्रेंड रोल। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रोल। तो आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअली इसमें छुपी रुस्तम टाइप की लड़की बनी हूँ और मैं सपना की फ्रेंड का रोल कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है कि मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है बॉलीवुड में काम करने के लिए। तो ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। हाय, नमस्कार, मेरा नाम रिशांक है। आई थैंक यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट टू बी हियर एंड गिव अस दिस प्रिविलेज प्लेटफॉर्म। क्या आपके बारे में कुछ बताइए, अभी योर कैरेक्टर। वेल, जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने, चंद्रशेखर सर ने आप लोगों को बताया कि आई एम प्लेइंग वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। ये कहानी है एक लड़के की, जो एक आम लड़का है, जो आज के मोस्ट ऑफ द जनरेशन यू में से, कि जो आज जनरेशन की थिंकिंग है, ही इज पोर्ट्रेइंग द थिंकिंग एंड थॉट्स ऑफ यंग जनरेशन ऑफ टुडे इन द फिल्म। एंड या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पात्र को निभा पाऊँ एंड आप तक वो बात पहुँचा पाऊँ कि आज का जो यूथ है वो किस तरह से सोचता है और किस तरह से नहीं सोचना चाहिए। Hi, my name is Alex Bhagat. Shekhar ji called me and he said, Alex, there is a Indo-American film is going to floor in Mumbai. So you come and there is a doctor character and he explained me about the story little. And I like this Indo-American story and this is totally US-based film. And I like the subject about this film. And I fly right away to Bombay. And as a doctor character in this film. Hi, my name is Priya Ramanandi and I would love to thanks first of all Shekhar ji, Rajesh ji, Sapna ji, because unhone mujh pe trust kiya aur mujhe is character ke kabil samjha. So thank you so much, and my cast and crew, so who are supporting me a lot, and I would love to thanks all of my team and crew and all. So this was the character like playing for the first time, and this is my first experience because this is a like गुंगा कैरेक्टर है, बिकॉज कोई भी डायलॉग्स नहीं है एंड आई हैव टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बाई माई एक्सप्रेशंस। सो दिस इज समथिंग न्यू व्हाट आई गॉट टू डू एक्चुअली एंड आई एम लविंग इट, बिकॉज दिस इज एक तो हॉलीवुड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिल्म इज ऑफ हॉलीवुड एंड सब लोगों का सपना होता है, जो भी बॉलीवुड में भी काम करते हैं, सो उन लोगों का भी सपना होता है कि यू नो हॉलीवुड में काम करें। इन लोगों ने मुझे इसके काबिल समझा, सो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई वुड लव टू प्रूव माई सेल्फ ये कैरेक्टर मैं अच्छे से निभा पाऊँ एंड ऑल। गाइस, वन थिंग, जब ये जो हमने डायरेक्टर से जब बात की, ही सेड दैट द स्टोरी इज लिटिल बिट डिफरेंट जो हम देखते हैं फिल्मों में आजकल। जब आप लोगों ने ये कहानी सुनी थी, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड एंड यू वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद द फिल्म, लाइक व्हाट? I mean, like, yeah, let me take forward. Okay. Yeah, definitely, story is very, very different. As our director sir and producer said, ki yes, we wanted to do the ice-breaking thing. And story is, it's a universal issue these days, like woman trafficking, jaise humare director ne kaha ki woman trafficking is a universal issue and we are portraying this type of things. And basically, it's a film on social issues. बट अब जब आप फिल्म देखेंगे, फिल्म एक एंटरटेनिंग है विद अ प्रॉपर मैसेज एंड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। सो दिस फिल्म टेक्स अस अराउंड एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस ऑफ की बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो, जो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, हमारी सोसाइटी की, कंट्री की, मे बी वर्ल्ड वाइड। सो आई एम सॉरी, हम स्टोरी रिवील नहीं कर सकते, बट on that note, I would like to say ki yes, it is different and I'm sure you will like the film. Okay, sir, aap kuch add karna chahte hain? Nahin, mere paas itna zyada hai.